टैग लगा हुआ है वो कंटिन्यू लगा ही रहेगा लग रहा है। और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड नंबर वन टीम थी बिफोर इंडिया से खेलने के बाद, अब नीचे आ जाएगी। बट क्या आपको लगा है कहीं हमारा एनर्जी लेवल बैटिंग में स्टार्ट में अच्छा था, 35 रन पे आपकी लास्ट 8 विकेटें गिर जाना, क्या आपको लग रहा है ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं है तो और क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। बात करते हैं वर्ल्ड कप की, और वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है? इंडिया में पाकिस्तान है और वर्ल्ड कप का मैच है, दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैच। आज पाकिस्तान ने बिल्कुल हमें जीरो कर दिया, हीरो से बिल्कुल ही जीरो। एकदम हम लास्ट गेम में 344 रन चेज करने वाली टीम का मिडल ऑर्डर आज बिल्कुल क्लैप्स कर गया। जो मिडल ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे थे लास्ट गेम में श्रीलंका के खिलाफ 344 रन रिकॉर्ड चेज किया हमने वर्ल्ड कप का। उसके बाद आज का मैच अगर देखा जाए, इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और रोहित शर्मा की, ये हमें ख्याल था कि टॉस जीतकर इंडिया पहले बैटिंग करेगा क्योंकि बाद में थोड़ा ड्यू का फैक्टर भी है और ये भी सारी चीजें हैं। बट आई एग्री के 5 से 7 ओवर स्विंग जरूर होता है अहमदाबाद में अर्ली, बट अगर अर्ली पाकिस्तान के आउट कर लिए जाएं तो अर्ली तो होने का मौका ही नहीं मिला। बात करें, पाकिस्तान ने कोई चेंजिंग नहीं की, टॉस जीता इंडिया ने सबमिन गिल को रखा, ईशांत किशन को ड्रॉप किया और जिस तरह की गेम इंडिया ने खेली है पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान नो वे नियर टू इंडिया, क्या टीम है, क्या उमदा परफॉर्मेंस दी है, कोई प्रेशर नहीं था इंडिया के ऊपर। स्टार्ट पाकिस्तान ने बहुत ही उमदा लिया, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान की विकेटें गिरनी शुरू हुई, लो रहता हुआ बॉल, आप क्रॉस अगर खेल दें तो उसमें आउट है। उसके बाद इमाम उल हक जो बाहर निकलते हुए बॉल को एज लगा और कोर्ट बिहाइंड हो गए, वो आउट। उसके बाद अब देखें बाबर आजम और रिजवान की उमदा पार्टनरशिप लगी, उन्होंने अच्छा खेला और जैसे ही बाबर आजम की गलत शॉट, देखिए जब लो रह रहा है तो आप कैसे थर्ड मैन खेलने जा सकते हैं, बाउंस होती बॉल को आप आराम से थर्ड मैन खेल सकते हैं। आपको पता है कि नी हाई के ऊपर बॉल नहीं आ रहा और आप कट खेलने जा रहे हैं और उस कोशिश में आपकी विकेट गिरी। उसके बाद 155 रन पे 2 विकेट पाकिस्तान की गिरी हुई थी जब बाबर आजम आउट हुए, और उसके बाद 191 पे पाकिस्तान की ऑल टीम आउट हो गई। ये वही टीम है जिसने 344 रन चेज किया था अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान टीम के ऊपर। जो हमारा टैग लगा हुआ है वो कंटिन्यू लगा ही रहेगा लग रहा है। और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड नंबर वन टीम थी बिफोर इंडिया से खेलने के बाद, अब नीचे आ जाएगी। बट क्या आपको लगा है कहीं हमारा एनर्जी लेवल बैटिंग में स्टार्ट में अच्छा था, 35 रन पे आपकी लास्ट 8 विकेटें गिर जाना, क्या आपको लग रहा है ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं है तो और क्या है? क्या आपको लग रहा है कि हमने गलतियां की हैं? गलतियां नहीं की हमने, बहुत सारी गलतियां की हैं। अब हमने बैड शॉट्स खेले हैं, इवन दो हमारे टेल अंडर भी नहीं चाहते कि हम 8 से 10 रन बना लें, वो भी शॉट पे शॉट खेलते जा रहे हैं। आज ने जो शॉट खेली है क्या वो शॉट खेलने के काबिल थी? उसके बाद अगर आप देखें इफ्तिखार ने स्वीप मार दी, आपको पता भी है कि 2-3 दफा उन्होंने डीएल पे गए हैं, वो देखें। उसके बाद सऊद शकील ने जो बैकफुट पे जाके पीछे सिंगल लेने के चक्कर में, आप भाई नीचे रह रहा है थोड़ा आगे खेलें, पीछे नहीं खेलना। हमारा मिडल ऑर्डर ऐसे क्लैप्स किया जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं धड़ा धड़ धड़ धड़, और वो पाकिस्तान टीम को ले उड़े। इस सारी चीज का क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान को नहीं जाता, पाकिस्तान को तो बैटिंग कर रहे थे, ये इंडियन बॉलिंग लाइन को जाता है जिन्होंने ये देखा कि बैटिंग ट्रैक है और बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है, उस पर डिसिप्लिन बॉलिंग करनी शुरू कर दी, एक साइड पे बॉलिंग शुरू की, जिसमें बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, 2 विकेटें उन्होंने सिर्फ जस्ट फॉर 19 रन। और उसके बाद कुलदीप यादव ने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया, उसके बाद सिराज ने पहले 2 ओवर में इतनी 20 रन खाए, अगर और कप्तान होता तो 2 ओवर के बाद उसको चेंज कर देता, मगर उन्होंने 2 कीमती विकेटें भी ली। हर बॉलर ने 2-2 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए, उसके बाद बुमराह जो मुझे खतरा था जडेजा और बुमराह से, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की। कुलदीप यादव ने बड़ी उमदा बॉलिंग का, उन्होंने थोड़ा प्रेशर डाला, बिल्ड किया पाकिस्तान ऊपर के ऊपर, थोड़ा स्कोर को फ्रीज किया जब स्पिनर आए, और उसके बाद
उन्होंने पाकिस्तान टीम को पकड़ लिया और पाकिस्तान टीम को आउट क्लास दिया। हार्दिक पांड्या ने भी 2 अच्छे विकेट लिए। देखें पार्टनरशिप लगाई है, इंडियन प्लेयर ने पार्टनरशिप लगाई है, इंडियन बॉलर ने पार्टनरशिप लगाई है। ये कप्तानी रोहित शर्मा ने जिस तरह से किया, इन्होंने कीप रोटेशन बॉलिंग रोटेट किया है। और देखें जब किसी कोई इजी खेल रहा तो बॉलर चेंज कर दिया जाए, चेंज करते गए बॉलर और उसके साथ विकेटें भी मिलती गई और पाकिस्तान टीम बिल्कुल क्लैप्स कर गई। यार मैं कहता हूं कि हमने इतनी बातें की हैं, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड नंबर वन है, ये करेगी वो करेगी, क्या किया, घट्टा किया हमने यार, हमने तो एकदम बैठ गए, पता नहीं क्या हुआ, एकदम अच्छे भले बैटिंग करते हुए 25 ओवर में 125 था और 155 जब 29 ओवर में 155 रन हुआ, उसके बाद आपकी विकेटें रेत की दीवार साबित हुई, कोई भी जंपर खेल नहीं सका। चले ये हो गया, पाकिस्तान ने 191 रन हो गया। उसके बाद जिस तरह से हमने बॉलिंग स्टार्ट की है वो भी काबिले दीद थी, हमने किसी ने कोई भी मजामत नहीं की। इंडिया का जो भी आउट हुआ उन्हें मार के आउट हुआ है, अदरवाइज कोई भी प्लेयर बॉलिंग में ना कामयाब हो सका, ना फील्डिंग में हमने अच्छी की है। फील्डिंग में अब हमने आज मिस फील्डिंग किया भाई, 191 रन कर लिया है तो ऑस्ट्रेलिया की तरह 40 से 45 ओवर तक ले जाते मैच को, क्या था, जितना लंबा लेके जाते उतने ही आपकी एवरेज बेहतर होती। भाई आपका ये कौन सा आखिरी मैच था वर्ल्ड कप का, आप वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे थे भाई, नहीं हो रहे थे आप वर्ल्ड कप से बाहर, अपना वो एवरेज तो कंट्रोल में रखते। कप्तान को ये भी तो सोचना चाहिए कि किसी तरीके से मैच को लंबा खींचा जाए, मगर नहीं, हमने अटैक किया, अटैक करना चाहिए बिल्कुल, बट जब कोई मारी जा रहा है आपको, आप उसी को उसी जगह पे बॉलिंग किए जा रहे हैं। और कोई भी, हर स्ट्रोफ ने इतनी मार खाई है, मोहम्मद शदाब खान की तो मुझे समझ ही नहीं आ रही, ना वो बैटिंग में चल पा रहे हैं ना बॉलिंग में, हमारे स्पिनर तो बिल्कुल ही फारग नजर आ रहे हैं, कोई भी स्पिनर इकोनॉमिकल बॉलिंग क्यों नहीं कर पा रहा, आई डोंट नो इसकी वजह क्या है। शदाब खान एक पीछे एक आगे, एक फुल टॉस, यार समझ नहीं आ रही, वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं, यानी कि क्लब का मैच आप खेल रहे हैं, कोई बॉदर ही नहीं कर रहा है, इवन तो कप्तान भी बॉदर नहीं कर रहा है कि क्या प्लेयर कर रहे हैं यार, क्या करें, कुछ चेंजिंग लेके आनी चाहिए बिल्कुल। अब अगले मैचेस में, अगला मैच आपका चेन्नई है, मे भी आपको 3 स्पिनर खिलाने पड़े अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो बिल्कुल असामा मीर लेग स्पिनर बाहर बैठे हुए हैं, शायद वो थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, उसको चांस मिलना चाहिए। अब ठीक है शदाब खान ऑलराउंडर खेल रहे हैं, आगे नहीं आ पा रहे, ठीक है रेस्ट दें थोड़े मैच, 2-3 मैच में रेस्ट दें ताकि उसको वापस आने में थोड़ा टाइम लगे। पाकिस्तान टीम बाहर नहीं हुई भाई वर्ल्ड कप से, स्टिल हम नंबर 4 है, मगर जिस एटीट्यूड के साथ आपने ये लास्ट गेम खेली है, जहां उससे पिछला जो मैच खेला है अगेंस्ट श्रीलंका वो देखें और आज के मैच की आप एनर्जी देखें, टोटली आपको पता चल जाएगा कि आपका कहां पे फेल हुए हैं। बॉलिंग में देखें डिसिप्लिन बॉलिंग, अब इंडिया ने के बॉलर ने भी स्टार्ट में थोड़ी मार खाई है, मगर जब वो डिसिप्लिन बॉलिंग पे आ जाए, अब बुमराह ने भी तो बॉलिंग की है ना, एक साइड पे लगे रहे हैं, उन्होंने 19 रन दिए ना, और इसी तरह की बॉलिंग होती है। कुलदीप यादव ने सेट बैटर के खिलाफ बॉलिंग की है, वो तो कहीं इधर उधर फुल टॉस नहीं फेंक रहे थे, वो तो नहीं कहीं आगे मुंह में फेंक रहे थे भाई, मारना पड़ रहा था आप लोगों को, तो ऐसी क्रिकेट नहीं होती भाई मेरे भाइयों, समझ जाओ, कुछ करो, कुछ सोचो। क्रिकेट है, वर्ल्ड कप है, 3 मैच में से आपने 2 जीते हुए, 1 हारा हुआ, अगला अफगानिस्तान से मैच है चेन्नई में, स्पिन रहेगा, उसके बारे में सोचो, क्रिकेट को थोड़ा पॉजिटिव खेलो, मगर डर डर के खेलोगे तो इसी तरह होगा। और कंग्रेचुलेशन रोहित शर्मा को, जिस तरह से उसने बैटिंग की है, क्या ही बात है, अय्यर ने बहुत उमदा 50+ स्कोर किए हैं भाई, उनके प्लेयर हर प्लेयर फॉर्म में है इंडिया का। आप भी कोशिश करें कि कभी ऊपर वाले हमारे फॉर्म में है, मिडल वाले नहीं है, मिडल वाले हैं तो ऊपर वाले नहीं है भाई, कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमें कहां मिलेगा जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करे। बिल्कुल देखें कप्तान ने 50 रन तो बनाए हैं, बट वो भी जाया गए हैं, इतनी अच्छी पार्टनरशिप लगाने के बाद हम बिल्कुल फेल हो गए। कोशिश करें, अच्छी क्रिकेट खेलें, खुदा रहा को बेहतर परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया, जाजी अल्लाह हाफिज़।